एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होते हैं? स्पीड इंस्टेंटेनियस मींस किसी क्षण की बात। इंस्टेंट मींस किसी क्षण हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ एन इंस्टेंट, स्पीड ऑफ एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड, Instant speed of an object is defined as the limit of the average speed in a time interval delta t. Speed of an instant of an object is defined as the limit of average speed in a time interval delta t becomes infinitely small. Approx zero is called instantaneous speed. Speed of an instant is defined as the limit of average speed in a time interval delta t becomes infinitely small. Approx zero is called instantaneous speed. तो मैथमेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड? मैं एसटी से एसआई लिख रहा हूं। एसआई क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिमिट ऑफ एवरेज कह रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं तो डेल्टा एस लिख दे रहा हूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या कहा? Speed of an instant is defined as the limit of average speed in a time interval delta t becomes infinitely small or approx zero is called instantaneous speed of the object. ये क्या है? SI equal to limit of delta t tends to zero, delta s is equal to, देखो अगर इसको vary करते हैं तो इसको हम पूरे को पढ़ते हैं, तो ऐसा करा डेफिनेशन, तो इसको पूरे से पढ़ते हैं तो डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी एस मींस डी बाय डी टी ऑफ एस मींस डिफरेंशिएट किया जा रहा है एस को टी के रिस्पेक्ट में, इसी या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ Distance is called instantaneous speed. या देखो, instantaneous speed को कैसे show किया हमने? SI equal to limit of delta t tends to zero delta s upon t. इसको हमने ds upon dt पढ़ेंगे. ds क्या है? Distance covered by small time difference. तो rate of change of distance is called instantaneous speed पढ़ेंगे. Rate of change of distance is called instantaneous speed. या speed of instant is defined as the limit of average speed in a small time interval, yani delta t becomes infinitely small, approx zero is called instantaneous speed. SI equal to, इसको हम पढ़ेंगे ds upon dt. ds क्या है? Distance covered by dt time. तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? Differential coefficient. ds upon dt is differential coefficient with respect to t. ये डिफरेंशिएट किया गया s को t के रिस्पेक्ट में, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसके बाद आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम टर्म्स है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी किसी क्षण मींस किसी क्षण वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट या किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल या अप्रोक्स जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं आई लिख दे रहा हूं वी आई, मैंने क्या कहा? Velocity of an instant is defined as the limit of average velocity in a time interval delta t becomes infinitely small, approx zero is called instantaneous velocity.
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी अपॉन सॉरी डेल्टा वी अपॉन, क्या लिख सकते हैं डेल्टा सॉरी पोजीशन की बात करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो इसको डी एक्स अपॉन डी टी पढ़ते हैं, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी एक्स को डिफरेंशिएट किया जा रहा है टी के रिस्पेक्ट में, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट मींस किसी क्षण फाइंड करना है, तो ये क्या है आपका डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो ग्राफिकली कैसे हम शो कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी, देखिए पोजिशन टाइम की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का कर्व है, ये पोजीशन है ऊपर की ओर और ये क्या है आपकी टाइम है, तो कुछ इस टाइप से ग्राफ कर्व ड्रॉ हो रहा है, हम कहां पर देखो यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस टाइप से कंडीशंस आ रही है, ये सेकंड में ये क्या है सेकंड में, किसी टाइम ए की बात कर रहा हूं मैं इस पर यहां पर ए ये ए है ये बी है, तो किसी टाइम ए से बी तक तो निकाल रहे हैं, किसी क्षण तो नहीं निकाल रहे हैं हम, ये किसी टाइम ए और बी पर क्या है यहां पर ए बी की बात कर रहे हैं, यानी 4 सेकंड के सपोज किसी टाइम ऑब्जेक्ट ए पर है आपका 4 सेकंड के बाद बी पर पहुंच जा रहा है, तो ये टाइम किसी क्षण नहीं है, किसी क्षण इसकी स्पीड हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऐसी हम क्या कर सकते हैं ए से बी तक यानी ए से यहां तक जा रहे हैं ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन किसी क्षण नहीं हो रहा है, इंस्टेंट मीन्स अगर इंस्टेंट कर्व ड्रॉ करने हैं तो हम क्या करते हैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ए की पॉइंट टच होगा तो किसी क्षण किसी मोमेंट इंस्टेंट हम उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये है ए से बी तक जा रहे हैं या ए से 7 सेकंड तक जा रहे हैं, यहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, जबकि हम उस कर्व पर क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी क्षण मीन्स एक सेकंड मीन्स एक सेकंड मीन्स जैसे टच हो गया उसी क्षण उसकी स्पीड फाइंड करनी है। इसके बाद आता है एक्सलेशन, हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी कैसे डिफाइन कर सकता है, यानी एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration, is it denoted by a से denote, acceleration is equal to क्या होता है आपका, यानी change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken, जिसे हम a से denote कर रहे हैं, या rate of change of velocity with time is called acceleration, it is denoted by a, इसकी SI unit क्या होती है, unit इस देखो इसकी unit होती है velocity की meter और इसकी होती है sorry velocity की होती है meter per seconds और इसकी होती है second, तो क्या हो जाएगी यहां से meter per second square इसकी क्या होगी unit होगी, देखो जो acceleration है ये vector quantity होगी, vector quantity है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, यहां से हम क्या लिख सकते हैं अगर ए क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी इस एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एलटी माइनस वन अपॉन टाइम टेकन क्या होता है टी होता है, इसका ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा आपका एलटी माइनस टू, ये क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा,
ठीक है, देखो इसमें एक्सप्रेशन भी टू टाइप के होते हैं, क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव होता है, चेंज इन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो ए इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन क्या टी है, अगर वी टू ग्रेटर देन सी वन है तो ये क्या होगी पॉजिटिव एक्सप्रेशन कहलाएगा, अगर वी वन ग्रेटर देन v1 greater than v2 है तो ये क्या कहलाएगी आपकी नेगेटिव एक्सप्रेशन कह रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। तो इसके बाद आता है आपका एवरेज एक्सप्रेशन, ये तो ठीक है, एवरेज एक्सप्रेशन कैसे हम किसी पॉइंट का एवरेज एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, इसको एवरेज एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज ओवर ए टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल पर हम क्या कर सकते हैं एवरेज एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज, चेंज इन वेलोसिटी इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो ये क्या कहलाएगा आपका एवरेज एक्सलेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम शो कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी इसी को हम कहेंगे डेबी, यानी ए एवरेज इक्वल टू क्या वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये क्या है अब इसका कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा होगा कर्व, ये वेलोसिटी है ये वी है और ये क्या है टाइम, थोड़ी देर में पोजीशन टाइम कर्व ड्रॉ करेंगे, तो ये इस टाइप का है T1 T2 टाइम की बात करते हैं तो ये किस टाइप से कर्व जाता है, ये है एक स्लोप टाइप में हो जाता है, किसी टाइम की बात कर रहे हैं T1 पर ये है इसकी स्पीड, T2 पर ये है, ये T1 है और ये T2 है, वेलोसिटी v1 और v2 है, ये क्या है v1 है और ये v2 है, तो v2 माइनस v1 अपॉन ये लिख सकते हैं, ये तो है आपका एवरेज एक्सलेशन। इसके बाद इसमें सेम आते हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन की बात करते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पड़ी थी एक्सलेशन और वेलोसिटी पड़ी थी, ये क्या है इट इज डिफाइंड एज द एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी ए सर्टेन इंस्टेंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सलेशन व्हेन टाइम इंटरवल्स बिकम्स वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटली जीरो टेंड्स टू जीरो, कैसे डिफाइंड कर सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी एट ए सर्टेन इंस्टेंट, यानी किसी क्षण की बात कर रहे हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सलेशन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए एवरेज एक्सलेशन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स वेरी स्मॉल या टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड लिमिटिंग सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, INST लिखते हैं तो ये क्या होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा टी डेल्टा वी पास डेल्टा टी, मैंने क्या कहा था किसी सर्टेन इंस्टेंट पर हम एक्सलेशन को फाइंड करना ही इंस्टेंट एक्सलेशन कहलाता है, और सर्टेन इसको क्षण, तो ये क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सलेशन इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल मींस इनफाइनाइटली स्मॉल या डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन यानी डीवी अपॉन डीटी, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, ये तो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन किसे कहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन इट मींस द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी
इज इक्वल फॉर इक्वल टाइम, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अगर आपके नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ये क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसे यूनिफॉर्म कहा। अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज वेलोसिटी इन अनइक्वल, इन इक्वल टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल, इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल, यानी अनइक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन।